देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिल्ली एनसीआर के कुछ स्थानीय खबरों का। और स्थानीय खबरों में सबसे पहले खबर आ रहा है, हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार बता रहे हैं कि बदरपुर के ओम विहार वार्ड के लखपत कॉलोनी पार्ट 2 के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं और वहां की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आइए देखें हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 99 के लखपत कॉलोनी पार्ट 2 गली नंबर 15 में हूं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि यहां पर सड़कों की क्या दुर्दशा है। नालियां सही तरीके से नहीं बनाई हुई है, नालियों का पानी देख रहे हैं आप सीधे दीवार से टकराती हुई, जो मकान बने हुए उनके दीवार से टकराती हुई निकल रही है और सड़क पर भी इसका पानी फैला हुआ है, जिससे यहाँ के लोग काफी दुखी है। तो सबसे पहले जानते हैं, हमारे साथ एक यहाँ से मैडम है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं होती है आपको यहाँ। जब से ये आप सरकार आई है उसके बाद में ना पे यहाँ पर नाली में कोई काम हुआ है ना सड़क बनी है। उस टाइम से इतनी गंदगी है रही है कि बालक सब पानी में निकल के आ रहे। जो देखोगे आप सारे सड़क पर पानी भरे रहेगा, सुबह से 12 बजे तक या शाम का निकलो सड़क पर फुल टाइम पानी भरे रहेगा। सड़कन की कई बार हम नारायण दत्त से कह चुके हैं अपने विधायक से, परंतु उन्होंने कही पिछली योजना में जो पैसा आए वे लेके खा गए। हमें तो ये किसी को नहीं मालूम कौन खा गए उन पैसा ने, कहाँ गए। पर ये सड़क आज 10 साल हो गए, हमने तो सड़क उसके बाद में बनती देखी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो वादे हुए थे, मकान देख रहे हैं आप इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन सड़कें, उस पे क्या कहेंगे आप? मैं आकाश यादव, प्रधान लखपत कॉलोनी पार्ट 2। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद से विधायक जी को जिताया गया था इस क्षेत्र में, वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। खरे क्या, मैं अगर अपनी कॉलोनी की बात करूं तो मैं कई बार उनको शिकायतें दे चुका हूं कि हमारी इस कॉलोनी में कुछ उद्धार कीजिए, लगातार पानी भरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं सुबह शाम स्कूल पढ़ने वाले, वो अक्सर गिर जाते हैं और उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार उनको बोला जा चुका है, वो कई बार आश्वासन देकर पीछे हट चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, जो दुर्दशा है यहीं रहते हैं? ये पार्षद जी यहीं रहते हैं हम, ये पार्षद जी की मेहरबानी है जो कार्य हो रहा है। पिछले 3 साल से यहाँ MLA आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, बाकी उनका कोई फर्ज नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है काम के प्रति। ये तो पार्षद जी है जो अपना निभा रहे हैं, पब्लिक के साथ मिल के चलते हैं। यहाँ पर एक स्कूल है, इस स्कूल में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को मैडम शिक्षा देती हैं, प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की। क्या क्या समस्याएं हैं? और नाली का और रोड का तो बहुत ही यहाँ समस्या है, कूड़े का, जिससे इस कॉलोनी वासी भी बहुत परेशान है। हम तो यहाँ नहीं रहते हैं तो हमारे लिए तो थोड़ी कम भी है दिक्कत, लेकिन हमारे जो बच्चे आते हैं जो यहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। बीमारियाँ जो है हर घरों में है, बच्चे कई तो बीमारी से मर जाते हैं। हम इतने परेशान हैं, सारे गली वाले सब कई कई बार चले भी गए उनके पास, क्योंकि हो रहा है आज, हो रहा है कल, हो रहा है ऐसे बना के बात करते हैं। तो हमने आपको लखपत कॉलोनी का हाल दिखाया, अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं ओम विहार वार्ड नंबर 99S, वहां के पार्षद पति महेश अवाना जी के साथ। तो अवाना जी से सबसे पहले लखपत कॉलोनी का जो बुरा हाल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में अवाना जी से मैं चाहूंगा काफी संक्षिप्त शब्दों में अवाना साहब बताएं आप। अनऑथराइज जो हमारी कॉलोनी है उनकी सभी सड़कों की रिपेयर, कहेंगे हम तो रिपेयर या नया बनाना हो या नालियां बनानी हो, ये काम सीधा सीधा विधायक के अधीन आता है, दिल्ली विधानसभा के। और दिल्ली विधानसभा के विधायक यहाँ पे नारायण दत्त शर्मा जी हैं, जिनकी वजह से सड़कों की ये हालात हैं। पिछले 3 वर्ष में अभी तक भी आपने देखा होगा, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई आपने वहां जाके मौके पे मुआयना किया है, लोगों से पूछा भी होगा आपने, तो लोग आपको जानकारी दे देंगे जिसके हिस्से का काम है उसके हिस्से का काम वो करे। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि विधायक ना तो नालियां रिपेयर कर रहे हैं ना सड़कों को रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाली टूटी होने की वजह से सड़क पे पानी आ जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि विधायक अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह है और उसकी लापरवाही का नतीजा आपको पूरे क्षेत्र में, मेरे ही वार्ड में नहीं अन्य वार्डों में भी आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी कुछ समय पहले साई नगर हमारी एक कॉलोनी है, साई नगर कॉलोनी के अंदर MP, MLA और पार्षद
तीनों को बुलाया था जॉइंट। मैंने विधायक एनडी शर्मा से केवल यही पूछा कि जो आपके अधीन काम हैं, क्या कहीं आपने एक भी ईंट मेरे क्षेत्र में लगाई है, मेरे वार्ड 99S में लगाई है? उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। इस इलाके में सीवर लाइन डलनी चाहिए थी, क्या आप लोगों ने पहल की है अपने एमपी महोदय से मिलके? बदरपुर वार्ड में, बदरपुर विधानसभा में एक भी जगह, केवल बदरपुर में जो कॉलोनी अप्रूव्ड है, जैसे डीडीए की कॉलोनी है या बदरपुर गांव है, उसके अंदर तो सीवर की लाइन है। एक मोलरबंद एक्सटेंशन में कुछ एरिया अप्रूव्ड है, उसके अंदर सीवर की लाइन है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि करीब करीब जो है 80-85% एरिया, बल्कि मैं 90% कहूं तो कम होगा, 90% एरिया ऐसा है जहां पे कोई सीवर का सिस्टम है ही नहीं। मेरे वार्ड में तो है ही नहीं, जैतपुर वार्ड में है ही नहीं, यहां तक कि जो गांव लाल डोरे के अंदर आते हैं उनके अंदर भी कोई सीवर का सिस्टम नहीं है। हमने पिछली बार जब मैं पार्षद था 2007 से 12 तक, 2003 में हमारे बहुत ही जुझारू और बहुत मेहनती जो विधायक, जिनको कहते हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का एक तरह से उनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड नारायण दत्त ने क्यों नहीं ले लिया? वो नारायण दत्त बार बार कहते हैं कि भाई जो है ना विकास पुरुष और फलाना पुरुष और ये, वो इस तरह के आरोप जो लगाते हैं। अगर किसी ने अच्छा किया होगा तभी कोई किसी को इनाम देता है। हमारे जो वर्कर हैं एमसीडी के, उन्होंने प्रॉपर मेहनत की। अभी भी आप कॉलोनी के अंदर गए होंगे, नालियों को खुलवाने का काम मेरे लोग कर रहे हैं, वहाँ मौके पे गए हैं, मैं भी स्कूटर लेके वहाँ घूम के आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवाना साहब, आपने हमसे बातचीत की और स्पेशली क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपने विस्तार से बताया। साथ ही लखपत कॉलोनी का जो मुद्दा है उसको भी आपने दुरुस्त करने की बात कही है, जहाँ तक आपसे हो सकता है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर, दिल्ली। और नेक्स्ट खबर आ रही है आईटीओ के गांधी पीस फाउंडेशन से, जहाँ गंगा सफाई को लेकर नूतन फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता हरिशंकर तिवारी। आइए देखें हरिशंकर तिवारी की ये रिपोर्ट। हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। इस समय मैं गांधी पीस फाउंडेशन में हूँ और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान, गंगा की स्वच्छता अभियान को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन नूतन संकल्प फाउंडेशन की ओर से किया गया। और राय जी से जानना चाहते हैं कि इन चर्चाओं से क्या हो सकता है। ऐसा है कि ये एक दिवसीय सेमिनार था जिसमें आपने भाग लिया। स्वच्छता अपने आप में एक व्यापक विषय है, स्वच्छता के अनेक आयाम हैं, उसी में मुख्य बिंदु इन दिनों जो चल रहा है खुले में शौच मुक्त करना है देश को और गंगा को अविरल और स्वच्छ करना है गंगा जी को। मैं ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से सरकार से कि जिस तरह से सरकार जमीन एक्वायर करती है रोड बनाने के लिए, उसी तरह से गंगा जी के दोनों साइड में जो जमीन है वो गंगोत्री से लेकर बंगाल तक, जिसको गंगा बेल्ट बोलते हैं, उसको सरकार अधिकृत कर ले, जिनकी जमीन है उनको मुआवजा दे, लेकिन एक बाकायदा प्लान के तहत कि कहाँ कौन सा हम पेड़ लगाए, कौन सा पौधा लगाए, इसका एक अगर सिस्टम निकाल दे तो कुछ जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें सिर्फ यही नहीं कि गांव के लोग भी अच्छी तरह से इन्वॉल्व होंगे, बल्कि उनको जब फायदा पहुँचेगा तो खुद आगे बढ़कर सामने आएंगे। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य, जैसा नवंशु राय जी ने कहा, यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागरूक किया जाए इस काम में। सरकार का अपना रोल है और जनता का अपना रोल है। क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि गंगा में गंदगी बहुत है, गंगा के दोनों तरफ के जो गांव हैं, यहाँ के निवासी हैं, वे लोग गंगा के कारण बहुत भयंकर बीमारियों कैंसर जैसे देखकर, इसलिए जल्दी से जल्दी गंगा की हर स्तर पर सफाई की जाए और किसी तरह से काम करते हैं पूरा पूरा मनाने की जरूरत है। पहले भी काफ़ी काम हुए, अभी काफ़ी काम हुए, मैं आशा करता हूँ कि जरूर होना पड़ेगा और सभी सब लोग।
हरिशंकर तिवारी एक और एक्सक्लूसिव खबर लेके आए हैं। नागालैंड में एक विधायक जीता है जदयू का। जी हाँ, जदयू का एक विधायक जीता है और इसके बारे में दिल्ली प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष दयानंद राय से हमारे संवाददाता हरिशंकर तिवारी ने इंटरव्यू लिया है। आइए देखें हरिशंकर तिवारी की ये रिपोर्ट। चुनाव में अभी आपको तीन राज्यों के चुनाव में जो आपको एक सीट मिली है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपको बधाई हो, जदयू को एक सीट मिला। जनता दल यूनाइटेड का एक सीट आना ये साबित करता है कि देश के अंदर नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी नीति को सारे लोग स्वीकारते हैं। साथ ही मोदी जी और नीतीश जी की नीति आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा के हो या 2019 के लोकसभा के, दोनों को प्रभावित करेगी। प्रभावित करेगी, पक्का करेगी। ये आपका पक्का मानना है? हाँ, पक्का करेगी। तो आप ये बताइए कि इसके लिए सबसे बड़ा कौन सा मंत्र नीतीश जी का, जो आपको लगता मुद्दा जो कि वहां तक पहुंच गया और राष्ट्रीय स्तर पर जदयू को एक सीट मिली? सबसे पहले तो बिहार में शराबबंदी, दूसरी दहेज मुक्त, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में खासकर महिलाओं को जो 50% की आरक्षण देकर आतंक को जो समाप्त कर जो काम किए उसका प्रभाव है ये सारे। ये जो बच्चों की हत्या बिहार में भी हुई और दिल्ली में भी हुई, जिसके कारण होली बीच में मुख्यमंत्री जी भी नहीं मनाए और आप भी दिल्ली में नहीं थे, क्या कारण था बताइए आप इस पे? हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में हुए बच्चों के दर्दनाक हत्या से आहत होकर होली नहीं मनाने का निश्चय किया। और जब हमें पता लगा जो ऐसे ऐसे कांड हमारे बदरपुर में हुआ, तो मैं वहां से सीधे दिल्ली आया और बहुत दुख हुआ है मुझे इस बात को। तो आप हमें ये बताइए कि इस दर्दनाक मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? यह एक बड़ी दर्दनाक घटना है। एक मासूम को जिस तरह से अपहरण करके मारा गया और अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया, यह एक निंदनीय घटना है। अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी उलटफेर हुई है, आपके साथी जीतन राम मांझी आपको छोड़ करके और राजद में लालू जी के खेमे में चले गए हैं, तो क्या क्या कहना चाहते हैं? जीतन राम मांझी एक बड़ा लालची नेता है, इन्हें केंद्र में मंत्री बनने का चाह था। मैं तो कहता हूँ यह गठबंधन का एक बोझा था जो भगवान की कृपा से अपने आप टल गया। ये पुराने लालू खेमा के लोग हैं और इनको वहाँ पे भी कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। जनता दल यूनाइटेड में और बीजेपी के गठबंधन में इनको एक कुर्सी बैठने को जरूर मिलते थे, अब वो भी इनकी कुर्सी छीन लिया। ये थी कुछ स्थानीय खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।